मेरी उम्र थी कम से कम 15 से 16 साल की उम्र थी जब मेरा रेप हुआ था। मतलब मेरे लिए ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा बुरा सी कि उसके बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी कि भी मैं हूँ मर जूंगी, मैं इवन कि मैं खा भी ले सी है ना दवाई। ये सिर्फ अकेली ट्रांसजेंडर दे नाल नहीं है, ये सब हर किन्नर दे नाल यही सिचुएशन और यही मोमेंट्स जो उन्होंने फेस किया है तो वो न जाने कितनी बार हो चुका है। आप ही को क्यों इतना इजीली लिया जाता है? हम तो गलत शरीर में ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप मतलब जैसे एक लड़के के शरीर में एक लड़की, एक पिंजरा है, ये पिंजरे में जैसे फंस के बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बस उसका फायदा तो सभी उठाएंगे। जब माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया है जो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर और लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, ये मेन इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ठप्पे लगते हैं किन्नरों पे कि भाई किन्नरों का कसूर है, ये कहां से आ गए हैं, ये क्यों आ गया है। सही बात, अगर कोई महिला कोई गलती करेगी तो तो पूरा महिला के ऊपर थोड़ी उंगली उठते हैं, उसका ही नाम लिया जाते ना। मगर कोई किन्नर कोई ट्रांसजेंडर कोई गलती करेगा तो पूरे हमारे कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठते हैं कि ये पूरे के पूरे ऐसे ही है। तो जानवर का भी एक कमिश्नर है, पंछियों का भी एक कमिश्नर है, हर लोगों का कमिश्नर है। कहीं सुने हो ट्रांसजेंडर्स के लिए या किन्नरों के लिए कमीशन है? तो आखिर हमारे जैसे बच्चों को अगर अपने पास रखेंगे तो हम बुढ़ापे की लाठी बन सकते हैं, सेवा करेंगे, माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जाके रहना पड़ेगा। पर ये बार मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग एंजॉय मतलब गाने वाले कौन से आप ज्यादा सुनते हो, हिंदी सुनते हो पंजाबी सुनते हो? भजन मान जेडे गाना आई सी हाय मेरे बिल्लो निहाय मेरे बिल्लो, हाय मेरे बिल्लो निहाय मेरे बिल्लो, दिल दमाम लच पाए मेरे बिल्लो। क्योंकि लोगों को ये क्यों लगता है कि किन्नर को हम इजिली अपने पास बुला सकते हैं, इजिली उनको बिठा सकते हैं, इजिली कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऐसा क्यों लगता है? ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए किन्नर ने अपने आप बचाव के लिए ताली बजाना सीख लिए। सब लोग सोचते हैं कि ये जड़े है, ये किन्नर है, बस न जाने क्या क्या बोलते हैं। अकेले में हम दिखेगी तो ज़रूर हमारे साथ में वो अलग ही फील बनाते हैं हम लोगों के साथ में। हर खुशियों में आपको बेटा नज़र आएगी, बेटी नज़र आएंगी, पूरे रिलेटिव्स नज़र आएंगी। तो खुशियों में, शादियों में, उसमें फंक्शन में, इस फंक्शन में, मतलब सब में कई किन्नर नजर आएंगे। कि अगर आपके घर कोई भी खुशी हो, बच्चा पैदा हो, शादी हो, किसी का भी कुछ भी घर में खुशी वाली चीज हुई हो, नया घर लिया हो, कुछ भी लिया हो, किन्नर जब तक नहीं आएगा ना 2 दिन के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि भाई आपके घर में कुछ कमी है जो पूरी नहीं हुई। ये परंपरा है, मैं हम अग्री विद यू, मैं सहमत हूं आपसे। ये मंगलमुखी जो है मंगल कामनाएं करती है, मंगलमुखी अपने जिजमानों के आंगन की तुलसी है। किन्नर से मुंह से एक गलत शब्द निकला, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत पक्का होगा। शगन पे बुलाते हैं, बधाई पे बुलाते हैं, और इनका आना शुभ इतना माना जाता है कि 2-2 मिनट इनके पैर नहीं छोड़ते लोग, 2-2 मिनट उनको इनकी फैमिली अशुभ मान लेती है। किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के के साथ आप घूम लीजिए है ना, जो नॉर्मल लड़का हो या जो नॉर्मल लड़की हो, समाज में बोला जाता है कि नहीं इनके साथ नहीं घूमना, इनके साथ नहीं रहना। हाँ जी ऐसे बोलते, तो ये क्यों बोलते हैं कि क्यों नहीं रहना, क्या बिगड़ जाएंगे या बन जाएंगे या क्या हो जाएगा? ऐसे उनकी गलत फैमिली है, ऐसे सोचते, वो सोचने कभी रखना चाहिए। हम भी इंसान है, हमें लगेगा तो चोट लगेगी, तुम्हें लगेगा तो भी छोट लगेगी, फोन भी होती है सेम। भगवान ने मेरे को अलग बनाया, सबसे अलग हूँ है ना, आई एम प्राउड ऑफ मी। मैं तो दवा करती हूँ कि मैं हर जन्म में ऐसे ही बन के आऊँ, नॉर्मल लोगों से अलग बन के आऊँ, क्योंकि आई एम यूनिक। शौक होते हैं बहुत ज़्यादा कि भी हम भी सामने आ सकें, हम भी डॉक्टर बन सकें, हम भी जज बन सकें, हम भी वकील बन सकें। अभी आपके साथ बैठी है मेरी फ्रेंड, ये मेडिकल स्टूडेंट है। रब दिक सम किसी काम दे न रे, रब दिक सम किसी काम दे न रे, तो हम ते काम से गाए मेरे बिल्लो, हाय मेरे बिल्लो निहाय मेरे। उस टाइम में चले मैं कोई कपड़ा पहन के जाती थी ना, तो पीछे से मैंने बच्चे छेड़ देसी, हाय नी वेखो खंड वर्गी जाती पई है, वेखो कितनी सोनी सुनकी है। शुरुआत कर दें विक्की जी भाई तो, भाई सत श्री अकाल, सारिया नू नमस्कार, एंड विक्की भाई जिवें मैं गल कर रहा सीगा है ना, भी ट्रांसजेंडर्स बेसिकली इस गाने तुसी फीचर कीते ने है ना, आई थिंक बड़ा यूनिक कॉन्सैप्ट है जिहड़ा कि
आज तो पहला कभी किसी ने ट्राई नहीं किया कि असी इन्हों ऑन कैमरा लेके आईए, ऑन कैमरा असी इन्हों को फीचर करवाइए, मॉडलिंग करवाइए, क्योंकि मैं ऐसा लगता है कि दुनिया च हर किसी के शौक होंगे ने, रादर दैन वो किसी भी कम्यूनिटी तो बिलोंग करता होए, किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, कुछ भी हो, हर एक इंसान के शौक होंगे ने। बट तुम इस चीज़ को ऑन अ सीरीयस नोट फ्रंट फुट से लैके आए हो, ये प्लैन किमें पॉसिबल होया एंड ये माइंडसैट कितों पहला पैदा होया कि तुसी अपनी वीडियोज़ च ट्रांसजेंडर यूज़ करने ने? होया इदा कि कुछ टाइम पहला मतलब चंडीगढ़ मोहाली च ना, मैं नहीं पता तुसी ऑब्जर्व किया कि नहीं, अजकल ना ऑन रोड या इतने सानू कितना कितने किन्नर समाज के ट्रांसजेंडर मिल जाते हैं, चाहे उस बधाइया लै रहे हो कि किसी के बच्चे की उसते हो या शादी से हो। दुख वाली गल है कि कई जगह पर ऑन रोड भी मिल जाते हैं सानू, ऑन रोड ताडे तो गड्डी की वधाई लेंदे हुए भी नज़र आ जाते हैं ना। तो उदों एक दो बार मेरे ना इदा के इंस्टेंस हो मैनू कुछ अच्छे दिखण वाले किन्नर ने अप्रोच किया मेरी गड्डी को आके कि वधाई दे दो। हूँ मैं मेरे दिमाग च उदो कोई इदा की गल नहीं सी, मैं क्या मैं की कह कि वधाई, गड्डी तो मेरी पुरानी हो चुकी है, पर एनी वे मैं क्या तू कोई काम क्यों नहीं कर लेंगे? वो कहती काम दे दो फिर तुम, काम तुम दोगे तद ही करा ना। अच्छा काम दिन देंदे ही नहीं है लोग उन्होंने। अच्छा मैं इट स्ट्राइक बैडली ऑन माई माइंड, यार ये गल तो मैनू लगा गई है हूँ जो मैनू मौका, मैं क्या चलो मैं हूँ जिन्ना है मैं मेरी कपैसिटी जो मौका आएगा मैं कोशिश करा। बड़ी पुरानी गल सी कि इधर उधर चल गई, बट जो भी मेरे दिमाग च आता सी मैं अजे तक 19-20 गाने गा चुके हूँ, और वीडियो च जो भी मॉडल्स लैंदे दिमाग च मेरे आया, मैं समहाउ मैं अजे अपने वीडियो च आउटसाइड तो मॉडल कोई हायर ही नहीं की, इट्स ओनली माई वाइफ एंड मी डूइंग द वीडियो है ना, बिकॉज वो भी अच्छे आर्टिस्ट है, जर्नलिस्ट भी सके। हूँ गल ये है कि मैं जो सुरखाब लिखन लग्या ना सुरखाब गाना, तो मेरे दिमाग च उदों ये सोच आ चुकी सी कि मैं वीडियो च ट्रांसजेंडरस नू लां। हूँ जो मैं सुरखाब कंपोजिशन करनी शुरू की हूँ पर्टिकुलरली असी देखा कि जो ट्रांसजेंडर कुछ डांस या कुछ इदा का कर रहे होंगे ना, इन्हों की एक अपनी बीट है, इन्हों की अपनी एक ताल होंगी है, उस ताल तो बाहर नहीं ये डांस करते, इन्हों ये नहीं कह सकते कि अजीब जे गाने ते डांस करो ना, पर इन्हों की एक अपनी पर्टिकुलर बीट है, उस बीट दे इंजॉय एंड यू गाइज इंजॉय, असी बहुत इंजॉय करते हैं इन्हों की बीट, इन्हों के नखरिया इन्हों के डांस में असी बड़ा इंजॉय करते। फिर उस गाने की मैं कंपोजिशन ले जाते हुए म्यूजिक बीट्स नू उत्थे लै गया कि जिथे मैं लग्या कि ये गाना इन्ना दा ही है। पहली बात तो ये है कि हमें एक्चुअली बड़ी खुशी है कि जो लोग काम मांगते थे, जिनको सोसाइटी में काम नहीं मिलता था, उनको काम मिला है, और आई थिंक और काम भी आर्टिस्ट वाली फील्ड में मिला है, एज अ मॉडल के तौर पर या फीचर आप गाने में कर रहे हो। पहली बात तो ये बताओ कि अपने अपने शौक सभी के होते हैं कि हम कैमरास पे आए, हमारे भी है ना यू नो बड़े सारी चीज़ें हमारे इंटरनल होती हैं, बट आई थिंक कुछ कम्युनिटी करके हमें वो मौके नहीं मिलते, लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अभी कितनी खुशी है कैमरे के आगे फ्रंट फुट पे आगे? हाँ मैं सब तो पहले मैं पंजाबी में सोने नाल मैं गल कर सकती हूँ ताकि मैं बेंगलोर की कुड़ी हाँ, मैं चंडीगढ़ की नो हाँ, मैं कोई गल मैं हिंदी जी मैं हिंदी में ही बोलूँगी, कोई बात नहीं। एक महिला या पुरुष अपने अपने रोल निभाते हैं है ना, कोई फिल्मी में हो चाहे वो सॉन्ग में हो चाहे कोई सीरियल में हो, महिला का महिला रोल निभाती हैं और पुरुष का पुरुष रोल निभाते हैं, तो किन्नरों का रोल जब भी आता है तो या उसको किन्नरों के ऊपर कोई उनके संघर्ष के बारे में उनकी जीवन के बारे में कोई भी फिल्म अगर आता है तो उसमें या किन्नर का रोल जो है या महिला निभाते हुए नजर आते हैं, आपने भी तो देखे होंगे, स्टार होगा या पुरुष निभाते हुए आएंगे, आखिर क्यों ऐसे? वाकई में विक्की जी ने बहुत अच्छे सोचे हैं, ऐसा होना जरूरी है कि जो किन्नर का अगर रोल बनता है तो किन्नर को ही दिया जाए, ट्रांसजेंडर को ही दिया जाए, क्यों किन्नर को दूसरे रोल भी उन्हें मिले, उन्हें भी मिले, सही बात है, तो किन्नर समझ के ही क्यों दोगे, तो ये नॉर्मली समझ के दो, क्यों किन्नर वाकई में वो भी लुकिंग गॉर्जियस भी है, एक्सलेंट है ना, एडोरेबल है वो भी, तो सब कुछ कर सकती है, तो वो भी सक्सम है हर बात में। मैंने ऐसा होता है कि
मेरे को ऐसा लगता है कि सारे माँ की कोख से ही पैदा होते हैं, पैदा होते हैं। आखिर कब तक ये सोच विचार ऐसे रखे रहेंगे कि जो एक किन्नर मतलब जैसे अलग ही है, हमसे अलग ही है, हमसे अलग ही, हम अलग नहीं है, एक वाले है। कमी तो ऊपर वाले ने दी, नॉर्मल है, हम भी तो माँ बाप की ही मर्जी से हमने इस दुनिया में आए हैं। आपको लगता है कि जो ये आपकी लाइफ है ये बाकी लोगों से बहुत टफ है? जीनी बहुत टफ है जी, लगता है आपको? हाँ बहुत ज्यादा लगता है, मगर हम भी बहुत जिद्दी हैं, क्योंकि जिस जीवन में अगर संघर्ष ना हो वो जीवन का स्वाद ही पिक्का है। जो जीवन में जो संघर्ष होता है उसी को ही एक्सेप्ट करना चाहिए कि उस जीवन का, क्योंकि ना आजकल लाइक आजकल क्या पिछले काफी समय में जब भी किन्नर कुछ भी करते हैं ना सड़क पे खड़े होके, जैसे क्योंकि आज की जो दुनिया है हमारी ये दुनिया में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ सही और कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। आ जी, आ जी। और जब भी किन्नर के साथ कुछ गलत होता है वो बड़ी हाईलाइट हो जाती है चीज, कि भाई किन्नर के साथ गलत हुआ है। किसी और यू नो कम्युनिटी के साथ हो, जैसे नॉर्मल कोई इंसान है, नॉर्मल कोई महिला है, उसके साथ गलत हो तो वो ठीक है, वो हाईलाइट होता है, बट किन्नर का बहुत बड़ा हाईलाइट होता है कि भाई किन्नरों ने ये चीज की है। बहुत सारे ठप्पे लगते हैं किन्नरों पे कि भाई किन्नरों का कसूर है, ये कहां से आ गए हैं, ये क्यों आ गया, ये मतलब मैं इस बात को मैंने इसमें भी लेना चाहती हूँ। देखिए अगर कोई पुरुष गलती करेगा तो उसका पुरुष का पूरा आइडेंटिटी के साथ नाम लेते हैं कि ये गलती किया है, है ना। अगर कोई पुरुष अच्छा किया है तो उसका नाम के जरिए पहचाना जाता है। अगर कोई महिला कोई गलती करेगी तो पूरा महिला के ऊपर थोड़ी उंगली उठते हैं, उसका ही नाम लिया जाते ना। मगर कोई किन्नर कोई ट्रांसजेंडर कोई गलती करेगा तो पूरे हमारे कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठता है कि ये पूरे के पूरे ऐसे ही है, ऐसे क्यों, कब तक चलते रहेगा। चलो मगर फिर भी मैं बहुत बहुत बड़ी धन्यवाद करना चाहती हूँ विक्की जी को, आपके साथ साथ वो उनसे ही बात करने जाऊंगा, उनसे भी। हाँ क्या नाम है आपका? जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आपकी लाइफ ना बड़ी टफ है, क्योंकि हर एक चीज को लेके नॉर्मल लोगों से बड़ा आपको अलग देखा भी जाता है, अलग तरीके से बर्ताव भी किया जाता है। तो दुनिया में मेरे ख्याल से आपकी कम्युनिटी ऐसी है जो अपना काम शुरू कर दें तो वो सर्वाइव कर सकेंगे, अदरवाइज उनको कोई दूसरा बंदा अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, कोई नौकरी नहीं देगा, कोई दूसरा बंदा आप पे इन्वेस्ट नहीं करेगा कि बिजनेस खोल के दें, है ना, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो आप किस तरह से इस तरह का फील करते हैं कि जी, मैं जैसे आपने पूछा कि आपकी लाइफ बहुत टफ होती है, हाँ हमारी लाइफ बहुत टफ होती है, कभी कभी मेरे को भी फील होता है, बट मैं एक चीज सोचते हैं, हम यूनिक, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं यूनिक हूँ, भगवान ने मेरे को अलग बनाया, सबसे अलग हूँ, है ना, आई एम प्राउड ऑफ मी। मैं तो दवा करती हूँ कि मैं हर जन्म में ऐसे ही बन के आऊँ, नॉर्मल लोगों से अलग बन के आऊँ, क्योंकि आई एम यूनिक। ये नॉर्मल लोग हैं सब एक जैसे हैं, है ना, मैं जो बोलते हूँ सच बोलते, मैं डर के नहीं बोल रही कितने भी, ये सब लोग एक जैसे हैं, भले ही बोलते रहे हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, एक बोलेगा नहीं करता, बट वो भी तब एक्सेप्ट करता है सिर्फ कि उसको ना पता चल जाए कि मैं ऐसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ये ऐसे लोग हैं, है ना। तो हमें सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं तो जिंदगी के साथ चल रही हूँ कि एक ना एक दिन आके तो मैं सबको मना लूंगी कि करो एक्सेप्ट, क्यों नहीं करेगा कोई एक्सेप्ट मुझे। मतलब आप लोगों के शौक होते हैं कि भाई हमारा ये शौक है, हमें ये करना है। मेरे तो खुद के बड़े ड्रीम है, मेरा खुद का ड्रीम है, क्या ड्रीम है आपका? कि मेरा मतलब साहिल, सॉरी, शौक, ओहो वाओ, ये शौक पे कैमरा मारा जाए जी, देख रहे हैं शौक पे कैमरा मारा, आप कह रहे शौक नहीं होते, नहीं मैम जरूर आप बताएं। मतलब शौक होते हैं बहुत ज्यादा, कभी हम भी सामने आ सकें, हम भी डॉक्टर बन सकें, हम भी जज बन सकें, हम भी वकील बन सकें। अभी आपके साथ बैठी है मेरी फ्रेंड, ये मेडिकल स्टूडेंट है, मास्टर्स कर रखी इसने, क्या बात है, है ना, मेडिकल स्टूडेंट है ये, मतलब क्या कर सके बेचारी, जिंदगी क्या है इसकी, है ना। अब जैसे मैं हूँ, मेरे भी बड़े ड्रीम्स हैं, अब तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं भी कुछ लाइफ में आगे करूँ, मेरा स्टार्टिंग से ये ड्रीम है कि मैं एक दिन कैमरे पे आऊँगी, और आना स्टार्ट हो चुकी हूँ, अब एक दिन ऐसे कैमरे पे आऊँगी ऊपर जाके कि हाँ सब लोग सोचेंगे कि इसने दावा किया था तो ये आ चुकी है, ड्रीम है ये मेरा। मेरे ख्याल से ना हमारी सबकी लाइफ में ना नॉर्मल हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसा जरूर होता है जब हमें पता चलता है कि यार कि सच में ही मतलब इस समाज में
हमारे हम जैसे लोगों का वाकई में ही बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। तो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि जिस टाइम आप ब्रेकडाउन हो बहुत गंदे तरीके से कि यार ये किस क्या किया था और क्या हो गया लाइफ में, मतलब कुछ मतलब ऐसा? मैं मेरी उम्र थी कम से कम 15 से 16 साल की उम्र थी जब मेरा रेप हुआ था। अच्छा, मतलब मैं एक शॉप पे काम करती थी, मतलब वहाँ पे रात के 9 बजे छुट्टी होती थी मेरी। तो रिसेंट एक लड़का था मेरे मोहल्ले का ही था, अच्छे तरीके से बुलाता था वो मेरे को, है ना, मोहल्ले का। तो मैं उसको भाई बोलती थी, भैया मैं पंजाब से हूँ, साढ़े पंजाब से वीरा कहते हैं, है ना। तो मतलब मैं वीरा कहती सी उन्हों, मतलब मैनू कहता भी तू घर जाना तो चल ले। मैं क्या भी हले मैं रुक के जाना, उन्हें 3 बार मैनू पूछण लई आया दुकान ते। जो 3री बार उन्हें कहा तो मेरी ऑनर आंटी ने मैंने कहा बेटा तू जा भी, तू मैरिज से भी जाना। मैं नवे शूज लिए, नवी जीन दे नया टॉप लिया, तो मैं क्या भी चलो ठीक आंटी मैं चल रही हूँ ले गया। तो जिस रास्ते में जाना सी मैं क्या मैं इधर नहीं जाना, भी मेरा रास्ते तो इधर अभी थोड़ा पता वा कि मैं सब आए वापस। मतलब मैं इन्ने को सुसान रास्ते से ले गया कि भी उत्थे ले जाके मतलब उन्हें मेरे कपड़े फाड़े, मतलब मैं कुछ नहीं, मतलब अज भी मतलब मैं वो चीज़ फील करके बहुत ज़्यादा मैं फील होंगे जिस कारण मैं घर छड़ना पिया से अपना, कि भी मेरे कारण मेरी फैमिली नू ना कोई कुछ कह सके, है ना, इदा भी बहुत कुछ है ना हुंदा। तो मैं वो खिलाफ़ FIR दर्ज करवाई सी, केस भी चलिया मेरा। बट फिर ईवन कि इन्ना क गंदा सी साढ़े पंजाब दे विच तां हुंदा नहीं इदा, जट्टां दे विच भी अपने जेड़े मासी दे या भूआ दे बच्चे होंगे वो ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, जो होर कास्टर्स होंगे उन्होंने भी हो जाता। उस बंदे ने अपने रियल सिस्टर के नाल ही मैरिज करवाई हुई, इस तो वड्डा कुछ नहीं हो सकता। ईवन कि मेरे तो मैं बाद पता चलिया, उस तो बाद फिर मैं केस चलाने तो बाद मेरा केस मैं मतलब कि मेथों तो झूठ बुलाया गया कि मैं छोटी सी तो भी, क्योंकि जो पिंड पंचायत होंगी, मेरा शहर है वैसे, पंचायत वाले ने फैसला किया होना आई डोंट नो, है ना, भी की फैसला, वो कहें भी तुसी कह दो भी गलत हो गया। वो वाइफ आई साढ़े घर आके रो के गई मेरी मम्मी को भी मेरी छोटी जी बच्ची है भी गलती हो गई भी माफ़ कर दो, है ना, चलो माफ़ करता। बट उत्थे जज ये जज वकील होंगे बॉडी लैंग्वेज पढ़ते बंदे की जबान तो नहीं, ये देखते होंगे बॉडी लैंग्वेज पढ़ते होंगे। तो जज ने उस टाइम कहता से भी नहीं भी मेरे सामने डॉक्टर लैके आओ जिन्हें मेडिकल किया, तो पुलिस वाले ने लैके आओ जिन्हें FIR दर्ज की है। तो उस तो बाद मैं कद तारीख तक गई नहीं सी, ईवन कि उस तो बाद मैं पता भी नहीं भी वो केस हले तक चल रहे हैं नहीं। मतलब मेरे लिए यह एक्सीडेंट इन्ना क ज़्यादा बुरा सी कि उस तो बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश की कि भी मैं हूँ मर जूँगी, मैं ईवन कि मैं खा भी ले सी, है ना, दवाई, बट मैं कुछ भी नहीं होया। बट उस तो बाद एक जिन्हें भी शॉप पर मैं काम कर रही थी उन्हें लड़की होंगी सी बेटी, वो डॉक्टर से एज ए टाइम ऑस्ट्रेलिया प्रतीक्षा ठुकराल, मतलब उसने मैनु हर एक चीज़ बारे समझाया। मतलब अगर अज मैं जिंदा ना तो मैं ओदी बदौलत हाँ, क्योंकि मैंने उस टाइम उन्हें संभालिया, मेरे कोई नहीं सी होर रास्ता भी जेड़ा मैनू संभाल सके, जेड़ा मैनू समझे, भी जेड़ा मैनू कुछ समझ सके भी हाँ भी इदा इदा नहीं होंदा इदा। मतलब उस बंदी ने मेरा हुण तक अगर मैं उन्होंने रात को 1 बजे भी फोन करना भी दीदी भी मेरा इदा मन नहीं लग रहा, उस बंदी ने मैं रात को भी कहना चल तू इत्थे आ मैं तैनू मिलदी हाँ। मतलब मैं थैंक यू करना चाहनी हाँ सच्ची, अज जिथे भी आ मैं कहनी रब ने उन्होंने जिथे तक हले तक पहुँचाया था उदू भी उपर तक जाए वो, मतलब इन्ना को मेरा प्यार करती थी जिहदी बदौलत अज मैं जिंदा हाँ गी, जिन्हें मैं जिंदगी जीने का ढंग सिखाया। बहुत एक्चुअल च हैट्स ऑफ आ मेरे ख्याल तो, मैनू इदा लगता कि छोटी उम्र एक सब तो एक अलड़ उम्र होंगी वह जो असं कोई ना कोई रोंग डिसीजन या किसी रोंग पाथ वाल जाने, बट जो सानू किसी वालों यू नो चीज़ सानू गलत दिखाई गई हो उस टाइम पर आके सफ़र करना कले बंदे दे बहुत औखा होंगे। हाँ प्लीज़ 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 मैम, तुसी जिहड़े उन क्वेश्चन किए हैं ये जिहड़े सवाल किए हैं ये जिहड़े उन्होंने जो जवाब दिए हैं जो हमारी कैश ने, वाकई में ये सिर्फ अकेली ट्रांसजेंडर दे नाल नहीं है, ये सब हर किन्नर दे नाल यही सिचुएशन और यही मोमेंट्स जो उन्होंने पेश किया है तो वो न जाने कितनी बार हो चुका है। इसका असल कारण क्या है, असल कारण क्या है, क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाता है, क्या फैमिली आपकी, मतलब मेरे कहने का मतलब कि आप ही को क्यों इतना इजीली लिया जाता है। इजीली यूं लिया जाता है कि देखिए वो है कि ये गलत, हम तो गलत शरीर में ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप मतलब जैसे एक लड़के के शरीर में एक लड़की, हाँ समझ में आ गई, एक लड़के के शरीर में पूरी तरह एक लड़की,
वो अपनी आप को बाहर निकलना चाहती है तो निकलना चाहे तो सिर्फ आत्मा ही निकलेगी बाहर, शरीर तो वही की वही रहेगी, तो करेगी भी तो क्या है, ये एक पिंजरा है, ये एक पिंजरे में जैसे फंस के बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि बस उसका फ़ायदा तो सभी उठाएंगे, तो कैसे कैसे कमेंट्स देंगे कोई भी, जब माँ बाप को जिन्होंने पैदा किया है जो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर और लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, ये मेन इम्पोर्टेंट है। मतलब जो माँ बाप वाली बात आपने बोली ये बहुत बड़ी बात है, और सबसे बड़ी बात मुझे मैम ये भी लगती है कि आज के टाइम में ना मेरे ख्याल से हर एक इंसान इज्जत मांगता है कि भाई मेरी इज्जत हो समाज में, मेरे को इज्जत चाहिए, मेरे को इज्जत चाहिए, इस चीज का मैं हकदार हूँ, बट आपको वो नहीं दी जाती और नहीं दिया जाता है। वही बात है, हमने यही कहते हैं कि आखिर एक जानवर भी अपनी पेट भर लेता है तो जानवर का भी एक कमिश्नर है, पंछियों का भी एक कमिश्नर है, हर लोगों का कमिश्नर है, कहीं सुने हो ट्रांसजेंडर्स के लिए या किन्नरों के लिए कमीशन है, है नहीं है, आखिर की उनसे भी गए गुजरे, वहाँ तलक देखा जाता है, ये 21वीं जमाना आ गए, लोगों को अपनी माइंडसेट बदलना जरूरी है और एक्सेप्टेंस जरूरी है। जैसे मैं तो हर जगह में यही कहती हूँ, एक मर्डरिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते है ना, एक रेपिस्ट को भी एक्सेप्ट कर लेते, जबकि एक अपंग बच्चे को भी जिंदगी भर सेवा करते हैं, तो आखिर हमारे जैसे बच्चों को अगर अपने पास रखेंगे तो हम बुढ़ापे की लाठी बन सकते हैं, सेवा करेंगे, माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जो है अपनी बहू अपने बच्चों के साथ वो खुशी रहती है बेटा, और बेटी जो है अपने ससुराल में अपने पति के साथ हैप्पी रहती है, रह जाती है बुढ़ापा माँ बाप का। हर इंसान को बुढ़ापा आना जरूरी है, आएगा ही, बचपना जवानी बुढ़ापा, तो उस बुढ़ापे के अंदर अगर हमारे जैसे बच्चा होगा तो हम ना किसी कोई लड़का शादी करके ले जाएगा हमें, या कोई लड़की शादी करके ले जाएगी, रह जाती तो हमें भी तो बुढ़ापा आती है, तो हम तो माँ बाप की सेवा करेंगे। एक चीज में ना खुले मेरे के दिल में जाता हूँ कि ना थोड़ी सी बात खुल के सामने आई, जो इस टाइम हम देखते हैं आस पास में, और आप भी इस चीज से एग्री करोगे, क्योंकि लोगों को ये क्यों लगता है कि किन्नर को हम इजिली अपने पास बुला सकते हैं, इजीली उनको बिठा सकते हैं, इजीली कहीं भी लेके जा सकते हैं, ऐसा क्यों लगता है? ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए किन्नर ने अपने आप को बचाव के लिए ताली बजाना सीख लिए, ताली बजाना सीख लिए, और अपने आप को तुम लोगों से मैं अलग हूँ, मैं डिफरेंट हूँ बोल के अपने आप को डिफरेंट अपने आप कर लिए वो। क्या करेगी? वो जीना चाहती है, वो नहीं मरना चाहती, वो अपने आप से पूछती है और अपने आप को अंतरात्मा से पूछती है कि मैं क्या गलत हूँ, मुझे क्यों टुकरा दिए गए। आज के जमाने में भी देखिए एक बात कह रही हूँ, आज के जमाने में भी हाँ मैं मानती हूँ बहुत कुछ सुविधा मिल गई, सब कुछ हो गए, वो तो आती की दात खाने की कुछ और होता है, दिखाने की कुछ और होती है, मगर आज के दिन में भी सबको ही रख लेंगे, देखिए हर खुशियों में आपको बेटा नजर आएगी, बेटी नजर आएंगी, पूरे रिलेटिव्स नजर आएंगी, तो खुशियों में शादियों में उसमें फंक्शन में इस फंक्शन में मतलब सब में कई किन्नर नजर आएंगे नहीं है ना, कई माँ बाप बोल सकते हैं मेरे एक बेटा भी, सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि किन्नर को बुलाना बड़ा शुभ माना जाता है, कि अगर आपके घर कोई भी खुशी हो, बच्चा पैदा हो, शादी हो, किसी का भी कुछ भी घर में खुशी वाली चीज हुई हो, नया घर लिया हो, कुछ भी लिया हो, किन्नर जब तक नहीं आएगा ना 2 दिन के अंदर, तो ऐसा माना जाता है कि भाई आपके घर में कुछ कमी है जो पूरी नहीं हुई। ये परंपरा है, मैं माता हूं, मैं अग्री विद यू, मैं सहमत हूं आपसे, ये तो परंपरा है, ये तो सदियों से चलते आ रहा है, पर मैं बात ये करनी चाहता हूँ, ये जो परंपरा है, इस परंपरा जब कोई घर में खुशी आती है तब किन्नर याद आता है सबको, तब किन्नर याद आता है, जब कुछ भी काम की जरूरत हो, किसी इंसान को नीड की जरूरत हो कि भाई मेरी मदद करो आके, उस टाइम किन्नर को नहीं पूछा जाता। वही तो, ये मंगलमुखी जो है मंगल कामना ही करती है, मंगलमुखी अपने जिजमानों के आंगन की तुलसी है, और ये भी बोला जाता है, और ये भी बोला जाता है कि किन्नर से मुंह से एक गलत शब्द निकला, आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत पक्का होगा। वो तो होगा, मतलब जो मंगलमुखी वही होती है, कभी गलत अपनी जिजमानों के लिए नहीं निकाल सकती, अपनी जिजमानों की सुख में सुखी है, दुख में दुखी है, वो है, मगर इसी की बहाना लेके जो अच्छे खासे वेल एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, जो ट्रांसजेंडर बच्चे, जो किन्नर बच्चे हैं, जो बच्चे ताली बजाने के लिए मजबूर है,
वो भी चाहते कि ताली बजवाना चाहते, मतलब तो आप सबका ताली होगा और काम उनका होगा। और साहिल कितना डायलेमा है ये लाइफ का कि लोग जो जिनको अपने घरों में शगन पे बुलाते हैं, बधाई पे बुलाते हैं, और इनका आना शुभ इतना माना जाता है कि दो दो मिनट इनके पैर नहीं छोड़ते लोग, दो दो मिनट उनको इनकी फैमिली अशुभ मान लेती। यस, अरे परमानेंट शुभ आया है, परमानेंट शुभ आया है आपके घर। हम पांच लोग बैठे हैं, सबसे हाईलाइट कौन हो रहा है? सारे हाईलाइट हो रहे हैं, बट आप ज्यादा हाईलाइट हो रहे हो। तो मेरे को ऐसा लगता है मैम कि मैं एक चीज पूछनी चाहूंगा, ये श्रृंगार तैयार होना, शेड्स लगाने, नॉर्मल जो लड़कियों को शौक होते हैं एक्चुअल में कि भाई कहीं भी तैयार होके जाएं, क्योंकि हर किसी के अंदर एक दिल करता है कि भाई आज हम ये ड्रेसअप डालें, आज हम इस तरीके से तैयार हों, लाइक आपका भी सेम ये होता है कि अंदर से ऐसा करता है कि हाँ भाई करके। मैं जितना भी मैं नाश्ते खाती हूँ तो मैं अपने पैसा कमाती हूँ, मैं ज़्यादातर मैं अपने ब्यूटी पे ही यूज करती हूँ। अच्छा, मुझे जो पसंद होती है कपड़ा वो जरूर खरीद लेती हूँ, चाहे 5,000 की हो चाहे 10,000 की हो। वाह, तो मैं खरीद लेती हूँ, मैं अरमान पूरा करती हूँ। ये है, सब लोग सोचते हैं कि ये इजड़े है, ये किन्नर है, न जाने क्या क्या बोलते हैं। अकेले में हम दिखेगी तो जरूर हमारे साथ में वो अलग ही फील बनाते हैं हम लोगों के साथ में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये है जो किन्नरों की जो रोल होती है वो फिल्मी में और सीरियल में, जो गाने में साइड एक्टर पे भी रखेंगे तो हम खुश है। क्यों, हमें करना चाहते हैं, हम मेहनत करना चाहते हैं, तो दुनिया के घर जाके भीख मांगने से अच्छा हम सेट हो जाए, हम खुश रहना चाहते हैं। और हमारे माँ बाप में भी जाना चाहेंगे तो उनकी भाई बहनों को तकलीफ देते हैं, तो इसलिए हम नहीं जाना चाहते हैं। मैम एक चीज़ ना ये भी बोली जाती है कि जैसे अब आप लोग किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के के साथ आप घूम लीजिए, है ना, जो नॉर्मल लड़का हो या जो नॉर्मल लड़की हो, समाज में बोला जाता है कि नहीं इनके साथ नहीं घूमना, इनके साथ नहीं रहना। ऐसे बोलते, तो ये क्यों बोलते हैं कि क्यों नहीं रहना, क्या बिगड़ जाएंगे या बन जाएंगे या क्या हो जाएगा? ऐसे उनकी गलत फैमिली है, ऐसे सोचते हैं, वो सोच नहीं कभी रखना चाहिए। हम भी इंसान है, हमें लगेगा तो चोट लगेगी, तुम्हें लगेगा तो भी चोट लगेगी, खून भी होती है सेम खून, ये ग्रुप बी ग्रुप ऐसे होते हैं। ठीक है, हमारे में भी वैसे ही खून होते, अलग तो नहीं होते। ठीक है, इंसानियत निभाओ, सारे दुनिया में सब हमें भी पहचानो, हम भी इंसान है। ठीक है, हमें भी माँ बाप ने जन्म दिया है, हम कोई अलग से नहीं आए। हाँ, तुम सारा हमेशा खुश रहे, तुम लोग तुम्हारा खुशी में हम भी शामिल होते, ऐसा सोचे हमारे बारे में, हम भी एक इंसान है, हम भी कुछ रखे, हमें भी कुछ करे। ठीक है, खुशियाँ देते हैं तो हमें भी। एंड ये भी पूछना चाहूंगा कि अच्छे बुरे लोग इस समाज में हर जगह हैं, हर किसी जाति में, हर किसी मोहल्ले में या हर किसी भी धर्म में है, आपकी कम्युनिटी में भी अच्छे बुरे लोग हैं? जरूर जी, जरूर होते। अब मैं कहती हूँ तुम्हारी कम्युनिटी में भी है, राम जैसे भी हैं और रावण जैसे भी हैं और सीता जैसे भी है, सूर्पनखा जैसे भी है, कि सबको एक ही तकड़े में तोलोगे क्या? अरे भाई, सोच विचार अच्छा रखना चाहिए। हर कौम में, हर इसमें है, हैवानियत भी है, शैतानियत भी है और इंसानियत भी जिंदा है। क्या बात है मैम, ये काफी टाइम से शांत बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इन पे आऊंगा नहीं, पर मैं आ गया। पहली बात तो ये बड़ी खुशी हुई जान के कि आपने मेडिकल की है मेरे ख्याल से, क्योंकि ना स्टडी और आपके बारे में हमेशा ये बताया जाता है कि भाई हाँ ये आराम से जैसे कि नॉर्मल लोग सर बैठते होंगे, बट एक शौक जो आपने मेरे को बताया कि हाँ भी पढ़ने का शौक होता है, किसी को गाने का शौक होता है, किसी को लिखने का शौक होता है, तो ये पढ़ाई आपकी जब आप कर रहे थे कैसी चली? सही चली वैसे मैंने पढ़ाई अपने बीच में छोड़ दी थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए। अच्छा, तो ये कौन सी टाइम की बात है? 2019 की बात, 18-19 की बात। ओके, तो उस टाइम पे मतलब क्या रीजन हो गया था? फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं, बस घर की तरफ से। हाँ, घर की तरफ से मैंने छोड़ दी थी। ओके, साइंस स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो अभी जो नॉर्मल लाइफ है ये कैसी चल रही है? घर वालों से अलग चल रही है या कैसी? अलग ही चल रही है फिलहाल। ठीक है, तो अभी खुशी हो रहा है?
हाँ खुशी हूँ बस, एंजॉय कर रही हूँ। हाँ एंजॉय कर रही हूँ, जैसे भगवान ने लाइफ। गाना करके अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा गाना करके। डांस वांस अच्छे से मजे किए सबने? हाँ मजे किए, थैंक्स फॉर विक्की सर जो मेरे ख्याल से ये पर ये बार मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग एंजॉय मतलब गाने वाले कौन से आप ज्यादा सुनते हो? हिंदी सुनते हो, पंजाबी सुनते हो? सारे सारे सारे। एक किन्नर ये किन्नर एक ऐसा होता है जो हर किन्नर के अंदर हर तरीके की खूब होती है, खूबी होती है, तो वो सब लैंग्वेज भी बात कर सकती हैं और सब लैंग्वेज की सॉन्ग भी सुन सकती हैं और हर लैंग्वेज के हर कल्चरल के डांस भी किन्नरी कर सकती हैं। आपको तो शायद लैंग्वेजेस भी ज्यादा आती हैं। क्या बात है, कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? मैं भी सवाल पूछूं, मुझे भी 6-7 मुझे आ ही जाता है। हां जी हां जी, क्या बात है। मैं स्पेशली मेरा मदर टंग जो है जैसे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी सभी। हां जी हां जी, यहां ये तो इंडस्ट्री बड़ी यार। मेरी बात सुनो, हमारे पंजाब में ना सिद्धू मूसे वाला बड़ा मशहूर है। हां जी हां जी, ये बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे गाइस सुनो, जब मैं जिस टाइम विच में पंजाबी चाहिए सी ना, उस टाइम विच साडे जेडे कहंदे ने पंजाबी सिंगर बहुत बहुत ज्यादा जेडे साडे हरभजन मान जी सी है ना, हरभजन मान जी सी भी, सरदुल सिकंदर जी है ना, हंसराज अंसी, ओना दे गाना सुनियो तुसी साडे जेडे वो हरभजन मान जेडे एक गाना आई सी, हाय मेरी बिल्लो नी, हाय मेरी बिल्लो, हाय मेरी बिल्लो नी, हाय मेरी बिल्लो, दिल द मामले च पाए मेरे बिल्लो, रब दिक सम किसी काम दे न रे, रब दिक सम किसी काम दे न रे, तो हम ते काम से गाए मेरे बिल्लो, हाय मेरे बिल्लो नी, हाय मेरे। उस टाइम च ना मैं कोई कपड़ा पहन के जांदी सी ना, तो पीछे से मेनू बच्चे छेड़ते सी, हाय नी वेखो खंड वर्गी जांदी पई है, वेखो वेखो किन्नी सोहनी सुनक्की है। जिद्दा तैयार होना, जिद्दा दो चोटी फाड़ना, हाँ जिद्दा पंजाब एंड कल्चर गर्ल बन के मैं अपना पिंड विच भी जांदी सी, वाकई में रियली ग्रेट नॉर्थ इंडिया से फॉर मी वेरी ग्रेट। मैं बहुत बहुत मैं दिल तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ साडे जजमाना नु, साडे बच्चे वालों, दिल तो दुआ हैगा पूरे मंगल मुखी मंडल की तरफ से वाकई। एंड एंड सबसे बड़ी बात ये स्पेशली आज दा जेड़ा जो प्रोग्राम हैगा साडे विक्की जी जेड़े हैंगे जिन्होंने आज का पूरा प्रोग्राम जुड़ा ही इनसे हुआ है, आप सब देखना और शेयर करना सबनो ये गाना, बहुत बहुत जब मैंने इनको अप्रोच किया ना, मैंने इनके इनसे पहले बड़े बंदों को अप्रोच किया, अच्छा इनको भी पता है, मैंने कहा कि मैंने काफी जनों को अप्रोच किया एंड दे आर नॉट वेरी कीन ऑन डूइंग इट राइट, उन्होंने ये लगता कि ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਜਬ ਇਨਸੇ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਬ ਆਪ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਕਾ ਮਨ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਫਿਰ ਜਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗਾਣਾ ਸੁਣਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, बड़ा मुझे कहते मैं पीछे चलेगी पीछे थोड़ा सा, तो जब पीछे चलेगी मतलब ये उस जमाने की तरफ गाना ले जाएगा आपको, नॉट लाइक ये कला कला इनके अंदर ही है कोई ज्यादा। और जो रिस्की बात थी कि एक टेक लेना है, ग्रेट क्या बात, तीन मिनट पूरे का पूरा है, एक ही टेक मिलेगा, कोई वो नहीं, मैं जो दिल करता ना करो, जो जिसका बेस्ट कर सकते हो करो। बड़ा अच्छा लगा बात करके, बड़ी सारी बातें ऐसी थी कि जो चाहते थे लोग के एक्चुअल में हों, तो ये बहुत एक अच्छी कॉन्वर्सेशन लगी और हम आगे मिलते रहेंगे यार, रौनके मुड़के लगाते रहेंगे, ठीक है, रौनके बहुत बहुत, इतना नाली रौनका बन गया जरूर। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।